अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब कह रहे थे होंगे जी, ये देखें ये बच्चा पार्टी, ये मेरे साथ आए हुए जी। आज व्लॉग बनाए, तो आज हम व्लॉग बनाएंगे इसके ऊपर। ये कितनी प्लेटें लगी हैं, ये देखें, एक दो तीन और तीन इधर, छः और फिर उसके बाद तीन वहाँ पर, टोटल हो गई हैं जी 9 प्लेटें। तो जी ये 9 प्लेटें हैं और ये देखें कैनेडियन सोलर, ठीक है। और इसके साथ आगे आप लिखा हुआ है 570 वॉट का ये एक पैनल है। अब आप इसको थोड़ा सा डिवाइड करें, मैं स्क्रीन के ऊपर भी दिखा दूंगा कि डिवाइड करके टोटल कितने वॉट की प्लेटें बन जाती हैं। और इसके अलावा इसके साथ हमने ख़रीदा है फिर इसका जो स्टैंड आया हुआ है, और ये आप नीचे देख सकते हैं, इसको फिक्स कराने के लिए हमने ये इसके ऊपर सारी वो बजरी शजरी डाल के इसको फिक्स करवा दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ पर भी, यहाँ पे भी तकरीबन, ताकि अगर हवा बारिश या तूफान से इसको हिले ना, मजबूती आ जाए। और फिर इसके जो स्टैंड्स हैं वो भी साथ में आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक हो गया। इन प्लेटों को, 6 प्लेटों को और फिर यहाँ पे 9 प्लेटों को, इन सबको जोड़ने के बाद ये आप देख सकते हैं पाइप तारों को इनके अंदर से निकाल के यहाँ से एक सुराख करके इसको यहाँ से हमने नीचे डाल दिया, ठीक हो गया। बाकी फिर आपको नीचे जाके मैं दिखाता हूँ कि कौन सा इन्वर्टर है, कौन सी बैटरी है, सारा कुछ आपको नीचे जाके बताऊंगा। तो ये देखें वहाँ छत से सीधा ये नीचे आके यहाँ सबसे पहले ये डीपी लगी हुई है, यहाँ से ऊपर वाले पोर्शन की लाइट है, यहाँ से सारा कट ऑफ हो रहा है कि जो ऊपर आप करेंगे सोलर, नीचे वापटा ये इनपुट वापटा की आउटपुट है, ये पीवी, ये है जी सोलर हमारा इन्वर्टर ज़ाइविंक डायमंड सीरीज, और ये रही बैटरी, ठीक हो गया। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ सोलर पे पूरा घर चल रहा है और साथ में वो बैटरी को भी चार्ज कर रहा है, ठीक हो गया। अब बैटरी फुल चार्ज है इस वक्त, और अभी सिर्फ और सिर्फ सोलर चल रहा है। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे केबी के ऊपर, यानी कि पूरे सोलर सिस्टम पे मेरा कितना खर्चा आया, कितना लोड मैं डाल सकता हूँ पूरे घर में। हमारे बेसिकली 2 पोर्शन है, ये ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर है, नीचे सेकंड फ्लोर है। अगर हम इस गर्मी में चलाएं तो 2 एसी डीसी इन्वर्टर एसी दोनों बड़े ईजिली चल सकते हैं, ठीक हो गया। और बैटरी जो कि लगी हुई है, अगर बैटरी के ऊपर हम एसी चलाएंगे तो एक एसी चलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर पूरा कितना खर्चा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं, ये तो मैंने पूरा सिस्टम दिखाया कैसे लगा हुआ है, अगर आप ये जानना चाहते हैं जो मेरे कमेंट से होता है, तो आप कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा कि कौन सी प्लेट कितने की है, एक स्टैंड कितने का, कौन सी तारें कितने की है, सिस्टम ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।